ठीक है ना। अर्थ एसएमएस जो है ऐसी प्रोडक्ट है जिसका मेन जो आउटगोइंग एसएमएस और इनकमिंग एसएमएस जो है इसकी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। सही है। लेकिन हम इसमें जो मेन हमारा फोकस है वो है इसमें इनकमिंग एसएमएस को केटर करना, ठीक है ना। वो इस तरह के मतलब बहुत सारी साइट्स हैं जो कि ये काम करती हैं कि आउटगोइंग एसएमएस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कहीं पे मतलब उसमें जो है लो रेट्स पे आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं, इनकमिंग रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसमें मेन फीचर्स अर्थ एसएमएस पे डाला गया है वो ये है कि इसमें एक यूआरएल कॉल की फैसिलिटी है, ठीक है। एक तो ये कि जब इनकमिंग एसएमएस आता है कोई भी तो ये एक ईमेल सेंड करती है यूजर को, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन यूजर के पास है कि वो चाहे तो अपना यूआरएल कॉल करवा सकता है या तो फिर वो अपने मोबाइल पर रिसीव कर ले इनकमिंग एसएमएस। लेकिन यूआरएल कॉल का बेसिकली मकसद यहाँ पे ये है कि अब अर्थ एसएमएस एक अलग प्रोडक्ट है और एक वेबसाइट जो है जैसे DIDX.net ये एक अलग प्रोडक्ट हो गई। अब जो है अगर कोई चाह रहा है कि वो DIDX पे कोई भी चीज जो है चेंज करना चाहे, वहां की कोई वैल्यूज अगर चेंज करना चाहे कोई यूजर अपनी, तो वो अपने मोबाइल से जो है उसको चेंज कर सकता है कि वो मोबाइल से अपना एक मैसेज करेगा। वो मैसेज जो है जैसे DIDX एक यूजर है इसके लिए, अब DIDX के जो समझ लो एडमिन जो है वो अगर उसमें कुछ चेंजेस चाह रहा है DIDX पे तो वो अपने जो है मोबाइल से एक सर्वर एक गेटवे को मैसेज भेजेगा अर्थ एसएमएस पे, मतलब एक मैसेज सेंड करेगा अपने यूजर पे। तो उससे ये होगा कि उसके जो वैल्यूज होंगी उससे एक मतलब एक यूआरएल कॉल होगा और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो जो भी उससे यूजर से रिलेटेड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो उस यूआरएल के साथ जो है अटैच हो जाएंगी, प्लस ये कि जो मेन जो मैसेज आ रहा होगा उसका नंबर और टैक्स ये भी। अब जब ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएंगी तो वो उसको इस इन्फॉर्मेशन को मतलब किसी भी तरह यूज कर सकता है, ठीक है। ये एक मिसाल जैसे एक DIDX की हो गई, एक सर ने मुझे बहुत अच्छी मिसाल दी थी उसकी बारबेक्यू टुनाइट की, जैसे कि बारबेक्यू टुनाइट का यूजर जो है अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपना मेन्यू जो है रेस्टोरेंट का कुछ चेंजेस करना चाह रहा है, उसमें प्राइस में चेंज करना चाह रहा है, तो वो एक सिंपली अर्थ एसएमएस पे एक सेंड करेगा एक एसएमएस जो कि एक उसकी एक फाइल जो है कॉल की जाएगी। बारबेक्यू टुनाइट एक यूजर होगा अर्थ एसएमएस का, उसकी एक फाइल जो है वो यूआरएल कॉल होगी उसका, जिसके साथ उसका ये मैसेज जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो उस मैसेज से जिस तरह भी चाहे वो अब काम ले सकता है, वो उससे रेट चेंज करे या कुछ भी करे या मजीद और एंट्री करवा दे कुछ भी करवा दे। तो ये इस तरह की अच्छा, कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है ट्रांजेक्शन इसमें एक और इसका फंक्शन ये अभी बन रहा है, तकरीबन बना दिया गया है कि इसमें हम ये भी कर रहे हैं कि बैलेंस ट्रांसफर जो है वो भी इसमें एक सिस्टम मतलब बना रहे कि अगर जैसे एक पाकी पे जो है वो इसकी अर्थ एसएमएस एक अलग प्रोडक्ट है और पाकी पे एक अलग प्रोडक्ट है जैसे, ठीक है। पाकी पे जो है उसका काम ये है कि वो एक तरह से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ऐसा होंगे, ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग की फैसिलिटी देती है पाकी पे। लेकिन एक पाकी पे का यूजर जो है अगर चाहता है कि वो उसमें क्या कहते हैं उसके पास बैलेंस अगर कम है या है भी तो वो मतलब अपने मोबाइल से लोड करना चाह रहा है उसको बैलेंस, तो वो उसके थ्रू बैलेंस लोड कर सकता है मोबाइल से, अपना मोबाइल का बैलेंस वो अर्थ एसएमएस को दे देगा, अर्थ एसएमएस उसके वेबसाइट पे उसका अमाउंट जो है ऐड कर देगी जितना अमाउंट भी वो जो है सेंड करे अपने मोबाइल से, ठीक है। ये एक फैसिलिटी है इसमें अर्थ एसएमएस में, जिसमें एक तो यूआरएल कॉल जो है इसका कि वो उसको किसी भी तरह यूज कर सकता है इसका यूजर जो है। एक इसमें ये भी फैसिलिटी डाल दी गई है कि नंबर जो कंफर्मेशन नंबर जो है जैसे पाकी पे एक वेबसाइट है, इस पे कोई आदमी कोई भी इसका यूजर जो है अगर पैसे जमा करा भी रहा है तो वो उसका रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो कोई भी मतलब अकाउंट में पैसे नहीं डाल सके उसके, सिर्फ वही अपने मोबाइल से अपने अकाउंट में पैसे लोड कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी है अर्थ एसएमएस ये भी एक उसको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि वो उसका नंबर कंफर्म जो है करे,
कि वो नंबर उसके पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता अर्थ एस एम एस पे। सही है ना, कि एक यूजर है पाकी पे का, तो वो ऐसे ही अपने यूज अपने अकाउंट पे ट्रांजेक्शन नहीं करे, वो पहले क्या करेगा कि वो उसको रजिस्टर करवाएगा अपने मोबाइल नंबर को कि ये मोबाइल नंबर है मेरा। उसके बाद में वो ये करेगा कि जब मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेशन कोड अर्थ एस एम एस के पास से आएगा इसके पास कि यही जो है मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो उसको रिप्लाई करेगा उस कोड को उस नंबर पे जो कि नंबर उसके पास जिस नंबर से मैसेज आया, तो फिर उसका मोबाइल जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा जो कि अर्थ एस एम एस पे होगा। यूजर को ये लग रहा होगा कि ये सारा काम पाकी पे के थ्रू हो रहा है। अच्छा ठीक है, यूजर को नहीं पता अर्थ एस एम एस क्या है, जो पाकी पे का यूजर है उसको नहीं पता अर्थ एस एम एस क्या है। अर्थ एस एम एस का यूजर जो है पाकी पे है। ठीक है, तो यूजर को नहीं पता चलेगा कि वो बैलेंस लोड जो है वो किसके थ्रू कर रहा है, उसको ये लगेगा कि बैलेंस लोड जो है वो पाकी पे के थ्रू कर रहा है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट है इसके अर्थ एस एम एस का मेन जो है।